चैनल, कैसे हैं आप लोग। और आज सैटरडे है और मैं जा रही हूँ बैंक, मैं बैंक जा रही हूँ। तो गौरी कहाँ है? गौरी है अपनी दादी के यहाँ पर, क्योंकि वहाँ पे अभी बुआ जी हैं इसलिए वो खेलने चली जाती है। तो बैंक जाने के लिए अब मैं इनको बोल रही हूँ कि आप साथ में चलो, मुझे पूरे 2 साल हो गए हैं ऐसी जगह गए हुए। और सबसे बड़ी बात क्या, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो टाइम लगेगा। मैं इनको बोल रही हूँ अपना स्कूटी से चलो, भैया से स्कूटी ले लेंगे। तो मैंने अभी बहुत सारा काम ऐसे छोड़ के जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी 11 बजे हैं और मैंने बस झाड़ू वगैरह लगा दिया, सब कुछ पोछा लगाया नहीं है। तो बैंक जाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी हो गया था, बहुत दिनों से डिले कर रही थी, नहीं जाऊँ। लेकिन जितना डिले करूँगी ना उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आएंगी, इसलिए सोचा कि अभी निकल लूँ और आप लोगों से बात भी कर लूँ। तो अब आगे का पता नहीं, मुझे मैं वीडियो बैंक जा कर के बना पाऊँगी या नहीं बना पाऊँगी, क्या है क्या नहीं। सर धुलना था वो मैंने धोया नहीं है, क्योंकि मैं आकर के दोबारा नहाऊँगी। अभी मैं नहाई, मैंने सोचा कि अब मैं इस तरीके से कपड़े पहन के चलती हूँ, आके दोबारा नहा करके रिलैक्स होके, मतलब जब सर धोऊँगी, क्योंकि बाहर जाऊँगी फिर वही है, हाथ वगैरह सर पे लगेंगे, सब कुछ है। इससे अच्छा तो मैं आकर के दोबारा नहा लूँगी, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि बाहर जाना बहुत रिस्की है और मेरे को बहुत डर लगता है इस टाइम पे बाहर जाने में। मैं जब भी जाती हूँ आकर के कपड़े वगैरह सारे चेंज करती हूँ, सब कुछ दोबारा नहाना करती हूँ, क्योंकि भाई गौरी साथ में है, छोटा बच्चा साथ में है, रिस्क लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो आप लोग भी चलो। मैंने डायरी रखी है, एक पेन रखा है, साथ में मुझे जो मेल आया था यूट्यूब से वो प्रिंट आउट निकालना है, यूट्यूब के रिगार्डिंग ही मुझे जाना है बैंक। और मेरा दूसरा फ़ोन यहीं पर ही है, तो चलो है ना, मिलते हैं। अब नोनी की दिक्कत है, नोनी अभी ना भौंकेगी मेरे जाती बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं उसको छोड़ करके जा रही हूँ, गेट बंद करके जा रही हूँ, ताकि वो बाहर निकल के ना भौंके। क्या होता है ना कि ये बाहर निकल करके भौंकती है तो सारे नेबर बोलते हैं कोमल कहाँ चली गई थी, तो इस वजह से मैं इसको अंदर ही बंद करके जाऊँगी। और ना कुछ और काम भी याद आ गया मुझे बात करते करते, देखो मेरे 2 कॉरियर जो हैं वो रेडी हैं, ये जो मेरे कस्टमर को जाने हैं और पहले निकल चुके हैं, ये भूल गए थे गलती से। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं, मैं दुकान पे पहुँचा दूँगी जब मैं जा ही रही हूँ, और एक दो काम और निपटा लूँगी जल्दी से जा कर के। तो चलिए टेक केयर, मिलते हैं बाद में, बाय बाय। निकालो, क्या दिया है बुआ जी ने, कौन सी ड्रेस दी है, मैं हेल्प करूँ आपकी। ओहो गुस्से में ही फेंक दिया, निकला नहीं ना गौरी से इसमें से। अब गौरी ने चूचू नहीं किया भाई, गौरी ने पानी पिया था, देखो अभी वो नीचे गिरा दिया। और ड्रेस निकाल रही है वो, निकल नहीं रही है, बहुत कोशिश कर रही है, देखो। अच्छा चलिए मैं निकालती हूँ, ये वाला है ना, दिखाओ सबको, दिखाओ। कैसा है? अरे इधर तो इधर लाओ गौरी, इधर लाओ बेटा। वो पॉली बैग ढूंढ रही है कि वो कहाँ गई, उसमें ना एक्चुअली पॉली बैग थी, तो उसको उससे मतलब है। तो ये लाई है गौरी की बुआ जी, कितना प्याला फ्रॉक है ना, है ना गौरी, कॉटन का है ये, पारा अच्छा है ना गौरी, गौरी पहनेगा इसको। क्या हुआ गौरी, क्या हो गया, क्या सोच रहे हो, क्या सोच रहे हो आप, आपका कुछ सामान खो गया है? ओ लाओ मैं रख दूँ इसको, टूट जाएगा बेटा ये निकल जाएगी फिर बेकार हो जाएगी, है ना। ओ ऐसे निकलते, लाओ चलो इसको हम वॉश करेंगे फिर हम पहनेंगे, पक्का पहनाऊंगा मैं इसको, पहनेगा ना गौरी,
है ना गौरी? वो क्या है, इसमें बटन लगे हुए हैं ना गौरी? बटन है ना? गौरी बहुत ध्यान से देख रही है क्या? लो, अभी मन में कुछ और आ रही है गौरी के। लाओ चलो दे दो, लाओ। वेरी गुड, रख दो इसको, फोल्ड करके रख देते हैं, ठीक है? ऐसे रख देते हैं, ऐसे करके इसको, ऐसे पैक करके, सुनो, इसको ऐसे पैक करके, इसको ऐसे करके, अले अले अले, नहीं ऐसे सोते नहीं है इस पे, निन्नू नहीं करते हैं इस पे, ठीक है? मैंने लाइट बंद करी सोने के लिए, है ना? इन्होंने, मैंने कपड़े फोल्ड करके रखे हैं और देखो ये सारे कपड़े इन्होंने खोल करके फेंक दिए हैं। गौरी फिर डांट पड़ेगी ना आपको, क्यों करते हो ऐसे काम? हाँ गंदा बच्चा बन रहा बेटा। ऐसा ऐसे निकलते हैं, मम्मा को दोबारे दोबारे काम करना पड़ता है फिर, है ना? करना पड़ता है ना बेटा? बताओ बताओ। तो ये मेरी नेक्स्ट डे की वीडियो है। मैंने ये वीडियो 2 दिन में बनाई है। एक्चुअली लग ही नहीं पा रहा था टाइम बिल्कुल भी, क्योंकि उस दिन मैं बैंक गई थी तो बैंक का काम भी नहीं हो पाया था और टाइम नहीं लग पा रहा था बिल्कुल भी। और यहाँ पर ये जो फ़ोटो है ना, मैं इसको यहीं पर लगाने की सोच रही थी कि अगर यहाँ पर एडजस्ट हो जाती है तो मैं यहाँ पर लगा दूँगी। उस पर कुछ लगा हुआ था, दीमक की दवाई शायद हम लोगों ने डाली थी, वाइट वाइट हो गया था वो, वही मैं साफ़ कर रही थी। मैंने कहा यहाँ लग जाएगा तो यहाँ लगा देती हूँ। और ये जो कपड़े हैं ये भी मुझे अभी संभालने हैं। गौरी पीछे जो है वो डांस करने में लगी हुई है बेड पे, उसको यही काम रहता है, बस ध्यान रखना पड़ता है बेड से गिर ना जाए, क्योंकि गौरी क्या करती है एकदम भागते भागते आती है, जैसे पीछे से पकड़ लिया मुझे। तो अभी तो मैं यहीं पर खड़ी थी, अक्सर इसलिए मैं झूले में बिठा देती हूँ इसको। एक भैया बोल, मतलब एक आईडी से भैया की फ़ोटो लगी हुई है, बोल रहे थे कि बांध के रखा करो और जब काम किया करो बाद में इसको खोल दिया करो। तो मैंने एक बार बांधा भी था तो प्रॉब्लम हो गई थी, ऐसे ऐसे कमेंट्स आने शुरू हो गए थे। टेबल का ये लगाना था तो इसमें भी एक चीज़ निकली हुई थी, मैंने कहा अभी आ करके खुद लगाएंगे, क्योंकि ये बाहर अंदर बाहर नहीं हो पा रही थी मुझसे क्या इसमें क्या बोलो, स्प्रिंग होती है क्या होता है वो निकला हुआ था, तो उसकी वजह से ये नहीं लग पा रहा था। और ये सुबह सुबह का टाइम है, मैं गौरी को डायपर सिर्फ आजकल नाइट में लगा रही हूँ, ठंडा मौसम होता है। वैसे गौरी अगर रात को शुशु करके सोती है तो सुबह तक नहीं करती है, लेकिन कई बार हो जाता है कि मेरे को लगता है कि हाँ रात को ये गीली ना रह जाए, तो इस वजह से मैं लगा देती हूँ। मौसम बारिश का है, ठंडा है, तो इस टाइम पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज सर्दियों से अब जा करके लगना शुरू हुआ है गौरी को। तो यहाँ पर मैं अभी अब सफाई करने लग गई हूँ सुबह सुबह की, तो टेबल, कंप्यूटर टेबल वगैरह ये पूरा क्लीन कर दूँगी, और यहाँ से क्लीन करने के बाद में मैं कपड़े फोल्ड करूँगी और फिर वही एज यूजल झाड़ू पोछा जो भी करना है। एडिटिंग करते वक्त गौरी मेरे साथ में ही हैं, तो और जिसको भी मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं सोच समझ के बोल रही हूँ कि मैं कुछ गलत ना बोल दूँ, क्योंकि होता है कि बार ना हमारे मुँह से कुछ वर्डिंग निकल जाती है और हमें पता ही नहीं रहता है कि कब क्या बोल दिया है। तो चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, टेक केयर।